शहडोल के बहुचर्चित देवांता हॉस्पिटल का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दिया है। बीते माह अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई थी, जिसमें एक महिला की गलत इलाज से मौत भी हो गई थी और बिल चुकाने तक महिला के शव को अस्पताल प्रबंधन ने बंधक बना लिया था। जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी MS सागर ने बताया कि मामले में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। टीम ने जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन की कमियों को लेकर रिपोर्ट CMHO को सौंपी थी, जिसके बाद CMHO ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया। पूर्व से ही अस्पताल प्रबंधन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पूरे मामले में संचालक विष्णुकांत त्रिपाठी और ब्रजेंद्र पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बेसिकली उसकी जो जांच शिकायत मिली थी, उससे पहले एक नोटिस मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से दिया गया था, उसको ही उन्होंने ठीक से संज्ञान में नहीं लिया गया था। दूसरा, इलाज में मृतका श्रीमती पुष्पा राठौर के इलाज में लापरवाही बरती गई थी, उसके कारण उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और उसकी विधिवत जाँच कराई गई है, उसी आधार पर उसका लाइसेंस निरस्त किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो शहडोल के बहुचर्चित देवांता हॉस्पिटल का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, शहडोल।